नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से अपने परिवार में सबका स्वागत है। चलिए, आवाज जा रही है हमारी, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम थी। चलिए भाई, सब लोग सबसे पहले अपने परिवार में सबका स्वागत है। बिल्कुल, हम लोग आ चुके हैं एकदम मैदान में अपने ओ लेवल एग्जाम के लिए। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि हमारा जुलाई 2024 ओ लेवल का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और सबका एडमिट कार्ड आ गया होगा। जिन्होंने जनवरी 2024 में रजिस्ट्रेशन अपना कराया है, उन सारे बच्चों का ओ लेवल का एग्जाम की डेट आ गई है, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार नाइलिट ने सबसे पहले आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम लेगा। सबको भाई बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप लोग सब? जल्दी से सब लोग फटाफट लाइव आ जाइए और हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात करेंगे। और अधिकतर बच्चों का जो डर बना होता है वो प्रैक्टिकल को लेके बना होता है, इसलिए हम लोग आज 1 तारीख से और पूरा आपका जब तक प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम लोग एकदम बहुत तेजी से मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि हर बच्चे का प्रैक्टिकल डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फुल एनर्जी के साथ हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बात को सुनते हैं कि प्रैक्टिकल का प्रोसीजर क्या है, प्रैक्टिकल नाइलेट का कैसे होता है, किस तरह से प्रैक्टिकल हमारा एग्जाम होता है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार ओ लेवल का एग्जाम देने जा रहे होंगे। सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं भाई? एकदम बिल्कुल मस्त हैं। और फटाफट सब लोग लाइव आइए भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अभी बहुत लोग नहीं जुड़ पाए हैं। जो आपके साथी सहपाठी प्रैक्टिकल को लेके टेंशन में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, वो लोग बिल्कुल हमारे चैनल पर आइए और प्रैक्टिकल को खूब अच्छे से पढ़िए। आप लोगों का चारों पेपर का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है। जिनका जो भी पेपर है, M1, M2, M3, M4, जितना पेपर आप लोग देना चाहते हैं, हर एक पेपर का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज पहला दिन है इसलिए हम लोग पूरा प्रैक्टिकल की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप का बनता है उसकी बात करेंगे और प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चंस कल से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले ये नहीं कि हम पहले दिन आए और एकदम धांस से क्वेश्चन कराने लगे, बच्चा हमारा डिस्टर्ब हो गया, सर बात कुछ बताया नहीं और लिखाना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिए। आज पहले दिन हम लोग प्रैक्टिकल की सारी बात को सुनेंगे। ओके, प्रैक्टिकल का प्रोसीजर बिल्कुल हम एकदम सही हैं। और आप लोग कैसे हैं भाई? सुशील फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करिए और जल्दी से बताइए लोग लाइव आए और क्लास को कंटिन्यू करें। यानी M1, M2, M3, M4 का जो टाइमिंग है वो आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको 1 जुलाई से ठीक है इवनिंग टाइम में आप लोगों का जो टाइम मिलेगा वो इसी समय पे हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका प्रैक्टिकल का टाइम होगा 3 से 7 का टाइम होगा। ठीक है, 3 to 7 PM का होगा। ठीक है, इसी समय पे हम लोग क्या करेंगे, चारों क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, हाँ चारों क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ 3 से 7 में हमको टाइमिंग पता चल गया। ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको टाइम नहीं पता है, कितने बजे क्लास चलेगी, कैसे क्लास चलेगी, इसी पर हम लोग बात को करते हुए आज हम लोग अपना समय पहले देख लेंगे। 3 से 7 का टाइमिंग होगा। ठीक है, आई बात समझ में?
इसी टाइम पे हम लोग लाइव मिलेंगे आप लोगों को, आईटी, वेब, आईओटी, प्रैक्टिकल, सॉरी पाइथन, ऐसे सारे चीज़ों का आप लोगों का क्लासेस चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो M2R5 पेपर का है, ठीक है ना। यानी हम लोग बात करते हैं किस पे, M2R5 पर बात करेंगे, यानी हम लोग वेब डिजाइनिंग से संबंधित जो भी डर रखे हुए हैं अपने मन में उस पे बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल एकदम स्टार्ट हो गए हैं, एकदम प्रैक्टिकल के लिए हम लोग स्टार्ट हो गए हैं। प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे प्रैक्टिकल हम लोगों को करना है, इसी पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमारा जो चलिए सबसे पहले प्रैक्टिकल की बात देखते हैं। प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हमारा जो प्रैक्टिकल है वो दो भाग में डिवाइड है भाई, जिसमें आपका थ्योरी और वाइवा दोनों है। थ्योरी और वाइवा की हम बात करते हैं, बिल्कुल फटाफट सब लोग लाइव रहोगे भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव रहोगे, वाइवा और थ्योरी की बात करेंगे। यानी कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, यानी ओ लेवल का कोई भी प्रैक्टिकल हमारा होगा, चाहे पहला पेपर हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो और चाहे चौथा हो, हर एक पेपर में प्रैक्टिकल के दो पार्ट होंगे, एक थ्योरी का होगा और एक वाइवा का होगा। यानी टोटल हमारा जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होगा, यानी हम लोग M2 पेपर का प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, ये हमारा M2 जो पेपर है, यानी इसका पूरा नाम होता है M2R5। पूरा नाम क्या होता है, M2R5 होता है। M2R5 का जो पेपर है इसमें आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, यानी आपका जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है बाबू, ये टोटल कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, ठीक है ना। 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आपका 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम है और 20 मार्क्स का वाइवा है। यानी थ्योरी आपका कितना हुआ, 80 मार्क्स हुआ, वाइवा कितना हुआ बच्चों, 20 मार्क्स हुआ, ओवरऑल आपका 80+20 100 मार्क्स हुआ। यानी 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से हम लोग को करना है, जिसमें वाइवा भी बताना है, वाइवा के क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, इसलिए थ्योरी भी M2 का अच्छे से पढ़े रहिएगा, ये दोनों जगह काम आएगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को अलग अलग, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज फर्स्ट डे है इसलिए बहुत ज्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं, आज पहले हर चीज को अच्छे से जानिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल प्रैक्टिकल में नहीं पता है और वो डरे हुए हैं कैसे हम पास होंगे, और सबका सेंटर बिल्कुल बहुत अच्छी जगह गया है, जहां पर आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग और माइंड का यूज करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप पास हो जाएंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो जाएं, प्रैक्टिकल अब आप लोगों का मैं तैयारी कराऊंगा, जबरदस्त तैयारी कराऊंगा, और अच्छे से आप लोग क्लास को करते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले सारे क्वेश्चन को नोट कर लें, वाइवा और थ्योरी के लिए आप लोगों को रहना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है। अभी भी आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, जो बच्चा मेहनत नहीं किया है अभी तक, आज से वो लग जाए, मैं गारंटी लेता हूँ आप आराम से एक हफ्ता पढ़ के प्रैक्टिकल क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे बच्चा तो फिर क्या होगा, उसमें आप भी जानते हैं, ठीक है, ओके। चलिए तो इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्रैक्टिकल को लेके सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास जो नॉलेज टाइम देता है बाबू, टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट,
अगर हम लोग प्रैक्टिकल में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाएंगे। समय का बहुत अभाव होता है, समय इतना रहता है, हाँ सबको गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, समय इतना कम होता है कि खाली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लगेगा समय बीत गया। यानी अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आज के समय में, ठीक है, आपका 50 मिनट का टाइम कुछ नहीं होता है, 45 मिनट का टाइम कुछ नहीं होता है। इस तरह से 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन करना होगा, वही करते करते ही समय बीत जाता है। यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए आज अच्छे से ध्यान रखिए। सबसे पहले प्रैक्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। टाइम मैनेजमेंट को लेके अपने टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को पुटअप करें, हम उसी क्वेश्चन को सबसे पहले उठाएंगे जो क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से तैयार है। जिस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से तैयार है, सबसे पहले एग्जाम में उस क्वेश्चन को आपको पहले करना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन को आप बाद में करेंगे, ताकि जितना आपका सॉलिड है वो मार्क्स आपको अच्छे से मिल सके, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पहले क्वेश्चन जो भी आपका सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से आता हो, उसी क्वेश्चन को पहले उठा लीजिए और विधिवत उस क्वेश्चन को अच्छे से करिए, क्योंकि बाबू पता है ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी है। बिल्कुल, बहुत कुछ बदल गया है, पहले और अब में ओ लेवल में बहुत अंतर हो गया है। अगर आप लोग ईमानदारी से ऑनलाइन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ लोग बड़े सदमे में रहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे, ऑनलाइन थ्योरी कैसे देंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे देंगे, ये सारी चीजें आती रहेंगी। बाबू आशुतोष प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको मैं पहले बता दिया हूँ। क्वेश्चन आपके छोटे होंगे, क्यों, टाइम को भी तो देखिए ना, टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सा बड़े क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, नहीं तो हम अपने समय पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आज आप लोगों का जो डाउट है बिल्कुल पूछिएगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, नहीं तो मैं कल से डाउट नहीं पहले पर प्रैक्टिकल पर बात करूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से प्रैक्टिकल से बन रहे हैं, सबसे पहले प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं बात करूं M2R5 में, तो सबको ये बात पता होनी चाहिए, M2R5 में सबसे पहले ये बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए सबको कि M2R5 में जो प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादातर टॉपिक हमारा पहला HTML से उठता है। अगर HTML का टॉपिक आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो जान लीजिए कि लैब में प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल वही मैं बताने जा रहा हूं, सबसे पहले HTML का टॉपिक उठाना है। HTML का जो प्रैक्टिकल है, HTML का प्रैक्टिकल है, जो सबसे पहले आपको अच्छे से सारे टैग के बारे में पता होना चाहिए। यानी हमारा जो टैग होता है उसका यूज कैसे होता है, सबसे पहले आप टैग को ध्यान देंगे। अगर टैग समझ गए, सबसे पहले HTML में टैग जरूरी होता है, कौन कौन से टैग कहाँ यूज होते हैं, और इसी से संबंधित आप लोगों का प्रैक्टिकल में क्वेश्चन बनता है। इसमें एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है कि HTML में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, HTML में कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे, कुछ HTML में क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे जिसमें आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, ये आप क्या का प्रैक्टिकल आपके सामने है, M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग।
इस तरह के क्वेश्चन कुछ आ गए हैं आपके सामने, सबको बिल्कुल दिख रहा होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए, एचटीएमएल से ही दिया है। राइट एचटीएमएल कोड टू डिवाइड ब्राउजर विंडो इनटू टू वर्टिकल सेक्शन एंड डिवाइड ईच सेक्शन इनटू टू पार्ट्स विथ डिफरेंट कलर्स, जिसमें डिफरेंट कलर में आपका पर्पल एंड ग्रीन, ठीक है। ऑन पर्पल साइड नाइलेट शुड बी डिस्प्लेड एंड ऑन ग्रीन साइड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड बी डिस्प्लेड विथ ब्लिंकिंग। इस टाइप का बहुत तगड़ा क्वेश्चन एक बना है, यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं। मैं आपको एक प्रोफार्मा बता रहा हूँ, यहाँ तक ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका फैक्ट वही है, यानी कुछ क्वेश्चन के आपके गेस क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह से बच्चों को तैयार कराना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहें, और इस टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग को प्रैक्टिस करना है। हमारा काम है क्वेश्चन को बताना है, और कल से कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कराता रहूंगा, और आप लोग घर पर क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, नोट कर लें, ताकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अपने से भी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे। फर्स्ट एमएल में मैंने सबको कलर पढ़ाया था भाई, कलर प्रॉपर्टी मैंने सबको एचटीएमएल में पढ़ाया हूँ, नोट्स उठा के देख लीजिएगा, जिसमें पर्पल के जगह पे मैंने टोमेटो टाइप का कलर दिया था, मैंने आपको ग्रे टाइप का कलर दिया था, मैंने आपको बहुत सारे टाइप के कलर दिए थे, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो वही क्वेश्चन बन रहा है जिसको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, और कुछ बच्चे अभी आज ही कल में प्रैक्टिकल आके किए थे ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। बिल्कुल सब लोग हमसे बताएं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया नहीं था, वही टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके सामने नाइलेट में भी आ गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को नोट कर लें, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, और इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, ताकि एक हफ्ते का जो टाइम मिले उसमें आप लोग तरह तरह के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन की जानकारी करें। क्या सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बाबू? बोलो भाई। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को आप लोग शेयर नहीं किए हो, ठीक है, और शेयर अगर कम करोगे तो मजा नहीं आएगा यार, 10-20 लोग पढ़ोगे, अरे इतना शेयर कर दो कि बहुत सारे लोग वीडियो को देख पाएं, और जो अभी नहीं मेहनत किए हैं उस मेहनत को कंप्लीट करें। क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलता है इसी टाइप का, देखेंगे ध्यान से, जिसमें लिखा हुआ है राइट एचटीएमएल कोड। हर जगह आपको एचटीएमएल कोड मिलेगा बाबू, राइट एचटीएमएल कोड, यहां पे लिखा हुआ है राइट एचटीएमएल कोड टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग बाबू मैंने पढ़ाया था ना, याद है, टैग के अंदर मैंने ए टैग का नाम बताया था, याद है एंकर टैग। यानी अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन बन रहा है, इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर बन रहा है, तो यहाँ पे दे दिया है राइट एचटीएमएल कोड टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एंकर टैग फॉर द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे जो स्टेप दिया गया है बाबू, इसमें आपको पहला पॉइंट दिया है क्रिएट ए वेब लिंक दैट ओपन्स इन अ न्यू विंडो। मैंने आपको शुरुआत में एक ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें आप लोग सरकारी रिजल्ट का लिंक बनाए थे, या और भी टाइप के लिंक बनाए थे जिसपे आप क्लिक किए थे, तो डायरेक्ट आपका वेब लिंक क्या हुआ था, ओपन हुआ था। पहला क्वेश्चन देखेंगे एचटीएमएल टैग के बाद लिंक टैग, मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें आपका एंकर टैग यूज किया गया था, ठीक है। यानी जो मैंने आपको लिंक टैग पढ़ाया था वही क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है। एंकर टैग, हाँ बिल्कुल, बाबू वही टैग है ना जो पहले, याद करिए क्वेश्चन, तुम लोग खाली मिलाओ बस, और कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे दिया है क्रिएट ए वेब लिंक दैट ओपन्स इन द सेम विंडो। आपकी एक लिंक बन जाए, वेब लिंक बन जाए एचटीएमएल में, जिसको हम ओपन करें डायरेक्ट उसी पेज में आपकी लिंक क्या हो जाए, ओपन हो जाए।
इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करो जल्दी से। ये सब प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हैं, बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कैसे क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। आज के हमारी क्लास में ये सारी बातें होंगी, कल से मैं खुद आपको गेस क्वेश्चन करके दिखाता रहूंगा किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल चलते हैं। इस तरह से चीजों को मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेफरेंस टू सम इमेज, ठीक है, यानी आपको इमेज भी लगाना है अपने वेब पेज में, इमेज को भी इंसर्ट कराना है, इस बात को ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन करवाएंगे बाबू, क्वेश्चन बिल्कुल कराएंगे। आज आप लोगों को क्वेश्चन का मैं प्रोसीजर दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, क्वेश्चन की क्या क्वालिटी है, क्वेश्चन का क्या कैसे, ठीक है, आने की संभावना है। आज एज अ डेमो के रूप में क्वेश्चन खाली सुशील, आज आप लोग सब देखिए, क्वेश्चन तो कराएंगे ही बाबू, एक हफ्ते आप लोगों को क्वेश्चन ही देंगे हम करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज मैं गेस्ट टाइप का दिखा रहा हूँ, कल मैं कुछ क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिकल से संबंधित कराता रहूंगा। फिर लास्ट पॉइंट इसमें दिया है मेकिंग एन इमेज अ हाइपरलिंक टू डिस्प्ले सेकंड इमेज, ठीक है, यानी हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक यानी लिंक टैग के माध्यम से आपको एक इमेज को दूसरे इमेज से क्या करना है, लिंक कर देना है। ठीक है, हाँ ये भी हो गया। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा तो नहीं है, बस वही सब पढ़ा पढ़ाया टैग है, वही आपका एंकर टैग है, वही आपका आईएमजी टैग है, वही आपका फॉर्मेटिंग टैग है, सारे टैग आपके वही लिखे पढ़े हैं जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसी से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं, देखिए आज भी मैंने आपको टेबल बनाने के लिए प्रोग्राम बताया था ना कि बाबू प्रोग्राम कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, डीओबी, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर नेम, क्लास एंड कोर्स, यार टेबल में, यानी टेबल में कैसे डाटा को डिफाइन करना है उसके संबंधित आप देख लीजिए कैसे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आज ही अभी बोला था क्लास में करने के लिए और कुछ बच्चे बिल्कुल किए भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, टेबल टैग का यूज करोगे। कैसे करोगे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एचटीएमएल में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, HTML में टेबल क्रिएशन की बात करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने आपको बताया था HTML में बहुत सिंपल तरीका होता है बाबू, सबसे पहले HTML टैग ओपन, टाइटल टैग ओपन, HTML टाइटल, टाइटल में हमने दे दिया एग्जाम्पल ऑफ टेबल टैग, टाइटल को हमने बंद कर दिया, टाइटल के बाद बॉडी टैग ओपन किया, एक हेडिंग दे दिया H1 माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन ए टेबल। हमने क्या किया, H1 को बंद कर दिया, हमने क्या किया, H1 को बंद कर दिया।
एक हमने पी टैग ओपन कर लिया। दिस टैग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very important of HTML. P को हमने बंद कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहीं पर टेबल टैग ओपन कर लिया। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू हमने 1 दे दिया। अब टेबल ओपन करने के बाद सबसे पहले टेबल में एक टैग अप्लाई करते हैं, TR टैग। क्या अप्लाई करते हैं बाबू? TR टैग से टेबल को स्टार्ट करते हैं, टेबल रो बनाते हैं। TR टैग के बाद तुरंत आपको मिलता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे TR ओपन करके TS की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? TS की बात करूंगा, टेबल हेडिंग की बात करूंगा। हेडिंग क्या बनाना है, क्या क्या हेडिंग रखना है, अभी मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था ना। क्या दिखाया था बाबू? सीरियल नंबर रखना है, स्टूडेंट नेम रखना है, रोल नंबर रखना है। सीरियल नंबर, SR नंबर। TH आपका बंद हो जाए, फिर TS, स्टूडेंट नेम, फिर आपका TH बंद हो जाए, फिर TH ओपन करना है, रोल नंबर, फिर TH बंद करना है, फिर TH ओपन करना है, रोल नंबर के बाद हो जाए, DOB फिर आपका एड्रेस हो जाए, फिर TH ओपन करना है, अच्छा साइड साइड में दिख रहा है आप लोगों को, अच्छा फादर्स नेम मदर्स नेम एफ नेम, फिर मदर नेम, मदर नेम के बाद क्या है बाबू? क्लास है और कोर्स है। क्लास फिर क्या है? कोर्स है नहीं, चलिए अब दिख रहा होगा ना, इतना टाइटल आपको बनाना है बाबू, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो TH में मैंने आपको हेडिंग तो बना दिया, हेडिंग तो बता दिया, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। इतना करने के बाद TR को बंद करेंगे ना,
इतना करने के बाद टीआर को आप क्या करोगे, बंद करोगे और फिर से टीआर आप ओपन करोगे, किसके लिए, टीडी के लिए। फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, टीआर ओपन कर दिया, फिर यहाँ टीडी ओपन कर लिया। टीडी ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने क्या रखा था, सबसे पहले एसआर नंबर वन, टीडी क्लोज हुआ। एसआर नंबर वन के बाद क्या था, स्टूडेंट नेम में हमने ले लिया राजकुमार, फिर टीडी बंद हुआ, फिर हमने टीडी ओपन कर लिया। स्टूडेंट नाम नेम के बाद क्या था भाई, रोल नंबर और डीओबी, रोल नंबर ले लिया 10 ना, टीडी बंद हुआ, फिर टीडी ओपन हुआ, फिर डीओबी की बात कर लें, ठीक है। 15 अगस्त 2005 फिर टीडी बंद हुआ, फिर टीडी ओपन हुआ, हाँ टीडी का मतलब बताया था, तुम लोग भूल गए यार। टीडी क्या करता है, या कॉलम या सेल को डिफाइन करता है ना एचटीएमएल में। यार जब तक टीडी नहीं लगाओगे कैसे सेल के अंदर डेटा तुम्हारा दिखेगा, कि सीरियल नंबर के नीचे नाम कहाँ आ रहा है, कहाँ नंबर आ रहा है, कहाँ पे डीओबी आ रहा है। तो हेडिंग के नीचे आपका कंटेंट दिखना चाहिए ना, इसीलिए टीडी लगाना है। हाँ बहुत बड़ा कोडिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा को दिया गया है, तो इसी तरीके से आपको करते आना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ रखना है, फिर क्या रखना है, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको एड्रेस रखना है, फादर्स नेम रखना है, मदर नेम रखना है, क्लास रखना है, कोर्स रखना है, सबको टीडी से डिफाइन करेंगे। उसके बाद फिर टीआर बंद करेंगे, फिर और डेटा बढ़ाना है तो फिर क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही काम आप करते जाएंगे। अगर 9-10 लोगों का डेटा बनाना होगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है बाबू, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आप लोग मेहनत अगर करेंगे तो इस टाइप की कोडिंग आपको मिलती रहेगी। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने अपना कोर्स रख दिया, मान लो जो भी है, मान लीजिए आप लोग मान लो ओ लेवल कर रहे हैं, फिर टीडी बंद हुआ, फिर टीआर बंद हुआ ना, फिर टेबल बंद हुआ, फिर बॉडी बंद हुआ, और फिर लास्ट में एचटीएमएल को क्लोज कर देंगे। इस तरह से पूरा का पूरा काम आप लोगों को करना है, ठीक है, और करने के बाद फिर प्रोग्राम को रन कराना है। इसके बाद क्या करना है, प्रोग्राम को रन कराना है। रन कैसे कराएंगे, कोडिंग करने के बाद फाइल का नाम देते हैं, नाम देने के बाद फाइल का एक्सटेंशन नेम लगाते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल को जब भी सेव करते हैं डॉट एचटीएमएल के साथ सेव करते हैं ताकि फाइल हमारी रन करे इस तरह से, ओके। बड़ा से डर नहीं होता बाबू, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सुशील हमने आपको ये बात पहली बताया है, डरना नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल के क्वेश्चन इस तरीके से आपको कई बार प्रैक्टिस करना है। तो आज मैं आप लोगों को ये जितनी बात बता रहा हूँ इस टाइप के प्रोग्राम को बहुत अच्छे से घर पे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग ठीक है कर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, ठीक है। ये एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है यार, कहने वाली बात नहीं, बिल्कुल आ सकता है कि एचटीएमएल में टेबल को क्रिएट करते हैं और इतने सारे टाइप के डेटा को रखते हैं तो कैसे रखते हैं। इस तरह से कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया है कि यही कॉन्सेप्ट आपको हर जगह रखना पड़ेगा, चाहे जितनी एंट्री आप बढ़ाते चले जाएंगे, ओके।
इसी के साथ ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टेबल कैसे बनाते हैं HTML में हमने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है। सब लोग आज घर पे अपने अपने क्या करेंगे, अपने सिस्टम पे प्रोग्राम की कोडिंग करके और प्रोग्राम को रन कराएंगे और आउटपुट देखेंगे किस तरह से प्रोग्राम आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को काम करना है और बहुत अच्छे से करना है, बहुत बिंदास करना है। क्योंकि देखिए, प्रोग्राम करते समय बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। अगर मुझे टेबल बनाना है तो टेबल का सबसे पहला ध्यान रखना है, मुझे यहाँ पे टेबल टैग अप्लाई करना पड़ेगा। और टेबल टैग अप्लाई करके शुरुआत सदैव TR से होता है। सदैव किससे होता है? एडमिट कार्ड आ गया है बाबू जय सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एडमिट कार्ड आ गया है, फटाफट आप student.nilet की वेबसाइट पर जाएं और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें। एडमिट कार्ड को देखें, सेंटर कहाँ गया है, और अच्छे से प्रिपेयर अपने आप को करें और उसके बाद पेपर दें। ठीक है, हाँ, अच्छे से। इसी के साथ आज मैं अपनी क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करके स्टॉप करना चाहूँगा, बस 2-4-5 मिनट में। उसके बाद आपका इस बार ना नेक्स्ट पेपर स्टार्ट होने जाएगा, जैसे आपका IoT या Python में देखते हैं क्या चलता है। लगातार आप लोग जो जो पेपर अप्लाई किए हैं, बने रहिए, खूब प्रैक्टिकल करिए, खूब अच्छे से क्लास करिए। ठीक है, जितना टाइम मिले इस समय, एक हफ्ता सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ ओ लेवल प्रैक्टिकल पर लग जाइए। और कहते हैं यार, अगर मेहनत से पढ़ा जाए ना तो अभी एक हफ्ते का टाइम बहुत है और बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। ओ लेवल में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों को दिक्कत होगी, बस कंटिन्यूटी आप लोग बना के क्लास को करें प्रैक्टिकल वाली, जो आपको लाइव मिल रही है क्लास। इस क्लास का टाइम आप लोग बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और आप लोग भी अपने इस टाइम से अपने क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, हाँ, TR बंद करने के बाद पहले टेबल बंद होता है, फिर बॉडी टैग बाबू संतोष बंद होता है, फिर HTML टैग बंद होता है, फिर प्रोग्राम को आप सेव करते हैं। हाँ, M1 M3 है, तो M1 M3 में M1 की क्लास 3 से 4 हो गई है, 4 से 5 आपका वेब हो गया है, 5 से 6 आपका IoT चलेगा और 6 से 7 आपका Python चलेगा। ठीक है, या 8 से 9 चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो टाइम रहेगा उस टाइम पे आप लोग लाइव रहिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं बाबू। 3 क्लास तो लगातार चलेगी, बाकी 1 क्लास का थोड़ा सा वो है, जब चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, सारे टैग आपके क्लोज होते हैं, बिना सारे टैग क्लोज करने से वही है, जैसे टाइटल की स्पेलिंग में टाइटल गलत कर देते हो, टाइटल की स्पेलिंग गलत कर देते हो तो ध्यान रखना कि आपका कुछ नहीं दिखता है, और टाइटल सही कर देते हो तो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, और किसी को यदि कोई डाउट हो प्रैक्टिकल में, बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो फिर हम लोग अपनी बात को यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल अपने समय से फिर मिलते हैं। बिल्कुल, मैं डेली लाइव रहूंगा बाबू, अगर आज से अगर कदम मैं यहाँ पे रखा हूँ, स्टार्ट किया हूँ प्रैक्टिकल, तो डेली आपको मैं मिलता रहूंगा, आपके एग्जाम के पहले तक मैं आपको प्रैक्टिस खूब अच्छे से कराता रहूंगा। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आज अपनी क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, कल इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व भी कराता रहूंगा। ओके, सबको थैंक यू।